जो श्रेष्ठ कर्म करते हैं उन लोगों के घर में अन्न की व्यवस्था करने के लिए यहां लिखा है देवताओं की माता अदिति चल के आती है। देखो यहां कितनी सुंदर बात कही है, आनंद आ गया इस सूत्र कहने में। जो लोग नित्य यज्ञ करते हैं हर रोज उनके घर में देवताओं की माता अदिति चल करके आती है, नित्य आती है, रोजाना आती है। वर्णन है अदिति ही सिंधु प्रतभा उतद्धौ अप्रसन्न तत आगत स्वभवने, हमारे घर में स्वयं देव माता अदिति चल करके आती है, वह आपकी रसोई में आकर के देखती है कि तुम्हारे रसोई में अन्न भंडार में कमी तो नहीं आ गई है। और देव माता अदिति श्रेष्ठ कर्म करने वाले लोगों के रसोई में कभी भी अन्न की कमी नहीं आने देती, ऐसा ऋग्वेद में वर्णन है। तो फिर श्रेष्ठ कर्म करो, ऊट पटांग छोड़ो, गलत काम नहीं, व्यभिचार नहीं, दुराचार नहीं, खोटे काम नहीं, हिंसा नहीं। आज ही तो महात्मा ने कहा था, प्रार्थना करता हूं मेरे खानदान में जितनी भी नारियां आवे, बेटियां दूसरे घर में जावे, ये गर्भ में किसी की हिंसा ना करें, हिंसक ना बने। वो ही बात कही जा रही है, जो श्रेष्ठ कर्म करते हैं उनकी रसोई में कमी नहीं आती, स्वयं देव माता अदिति उसके घर में पूर्ति करके जाती है। मित्र वरुण अदिति और पृथ्वी और आकाश और अग्नि, ये उस घर को संभाल करके रखते हैं, उस घर में अनहोनी नहीं होने देते। जो श्रेष्ठ कर्मों के साथ में जीवन जीते हैं, कुएं में जैसे रस्सी गिर जाती है उसको निकालने के लिए कांटा और रस्सी की जरूरत होती है, भव सागर में जीव गिरा है, परमात्मा का नाम उस कांटे की तरह है, तो उस नाम को मत भुलाइए, कभी भी मत भुलाइए। भव सागर से वही हमें बाहर निकालेगा। श्रेष्ठ कर्म करते रहिए, भगवान के नाम का स्मरण करते रहिए। राम नाम कल अभिमत दाता, गोस्वामी जी ने लिखा है, कलयुग में भगवान का नाम सब कुछ देने वाला है। श्रेष्ठता का वर्णन, श्रेष्ठ कर्म की बात कही गई है, जिसमें ही जीवन का कल्याण छिपा हुआ है। एक बार जयकारा लगाइए, बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।